रहीम इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम एंड इट्स एलिमेंट्स नाउ इन द इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस इट्स बेनिफिट्स आर एडवांटेजेस ऑफ इन्फ्लेशन टारगेटिंग रेजीम सबसे पहले जो बड़ा बेनिफिट है इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी का या रजीम का वो ये है कि ये टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हमने पीछे एक लेक्चर में पढ़ा था कि टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम जनरली ह्यूमन लाइफ में क्या है और मॉनिटरी पॉलिसी के फील्ड के अंदर उसका क्या मतलब है अब ये एक चूंकि प्रॉब्लम है टाइम इनकन्सिस्टेंसी ऑप्टिमल प्लान जो लॉन्ग रन के होते हैं वो सेंट्रल बैंक शॉर्ट रन में फॉलो नहीं करता इनकन्सिस्टेंटसी हो जाती है टाइम के साथ तो इसलिए हम कहते हैं ये प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को जो चीज सॉल्व करे वो उसका बेनिफिट है तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी टाइम इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है सवाल यह है कैसे देखिए बड़ी सीधी सी बात है कि सेंट्रल बैंक डिविएट करता था अपनी एक लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल प्लान से तो हम कहते हैं यह टाइम इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम है जबकि इन्फ्लेशन टारगेटिंग में तो बड़ा क्लियरली हमने उसको एक न्यूमेरिकल टारगेट दे दिया कि आपने ये अचीव करना है और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रहना है और फिर अगर आप नहीं अचीव करेंगे तो आप अकाउंटेबल हैं तो फिर सेंट्रल बैंक जो है वो उसकी लॉन्ग टर्म प्लान बन गया यानी कि ये टारगेट मैंने अचीव करना है और लॉन्ग टर्म के प्राइस स्टेबिलिटी को प्राइमरी गोल रखना तो, तो टारगेट अचीव ही नहीं किया तो सेंट्रल बैंक अकाउंटेबल होगा इस बात पे। और होता है सेंट्रल बैंक इस बात पे तो ये बात और ये भी क्लियर हो गया कि ये टारगेट आपने अचीव करना ही करना है तो वो जो पोलिटिकल प्रेशर था सेंट्रल बैंक को आप फोर्स करें कि आप जो है वो लूज मॉनिटरी पॉलिसी अडॉप्ट कर लें इलेक्शन ईयर आ गया है या कोई भी और रीजन है तो अब ये पॉलिटिकल प्रेशर काफी कम हो जाएगा क्योंकि आपने तो एक न्यूमेरिकल टारगेट दे दिया ना कि ये टारगेट आपने अचीव करना है तो टाइम इनकंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाता है दूसरी बात कि हमने देखा कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है जब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा होती है उसका एक सिंपल बात तो यह है कि जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटेजी है यह लोगों को सबसे आसान समझ आने वाली बात है यही ट्रांसपेरेंसी के लिए काफी है अब टारगेटिंग होती है वो कैसे होती है कैसे आप इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को यूज करते हो मनी सप्लाई के टारगेट सेट करते हैं अब ये जो चीजें होती हैं ये पब्लिक के लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं है ये बड़ा ही सिंपल है कि चार परसेंट इन्फ्लेशन होना चाहिए पांच परसेंट इन्फ्लेशन होना चाहिए टू परसेंट इन्फ्लेशन होना चाहिए मीडियम टर्म में तो ये इजिली अंडरस्टैंडेबल है फिर इन्फ्लेशन टारगेटिंग स्ट्रेटजी एम्फेसाइज करती है कि पब्लिक के साथ ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन हो और कम्युनिकेशन के लिए ये नहीं है कि सिर्फ अपनी पॉलिसी बता दें बल्कि मैंने पहले भी आपको बताया कि इसके लिए पब्लिक इंफॉर्मेशन कैंपेन्स चलाई जाती हैं ताकि लोग अवेयर हों कि मॉनिटरी पॉलिसी के क्या टारगेट्स हैं और मॉनिटरी पॉलिसी के क्या डिसीजंस हैं इसी तरीके से सेंट्रल बैंक ऐसी रिपोर्ट्स छाया करते हैं जो लोगों के लिए बड़ी आई कैचिंग और इजीली अंडरस्टैंडेबल हो ताकि लोगों तक पैगाम पहुंचे कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रीजन uh, क्या है पॉलिसी गोल्स क्या है अब ये जो ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो जाती है इसके अपने दो फर्दर बेनिफिट हैं नंबर वन जो फोकस ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है कि सेंट्रल बैंक अपने गोल्स बताता है लोगों को और फिर साथ अपनी लिमिटेशंस भी बताता है अब लोग कोई गलत चीज एक्सपेक्ट कर बैठे सेंट्रल बैंक से जैसे हम ये एक्सपेक्टेशन ले लें कि इस वक्त जो है वो डॉलर 300 के करीब घूम रहा है 300 पर डॉलर तो सेंट्रल बैंक से हम एक्सपेक्ट कर बैठे कि इसे हंड्रेड रुपीज पर डॉलर पे ले आए या इसी तरीके से कोई और हमारी एक्सपेक्टेशन हो तो जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी तो सेंट्रल बैंक ये भी क्लियर करता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते क्या हमारी लिमिटेशन है ठीक है इसी तरीके से जो टारगेट अचीव करता है सेंट्रल बैंक मसलन फोर परसेंट है तो इसके ऊपर भी ट्रांसपेरेंसी होती है कि भाई फोर परसेंट ही क्यों फोर परसेंट अचीव करने की रीजन क्या हैं और फोर परसेंट कहां से आया कैसे डिराइव हुआ ये नंबर ये जो है वो फोकस ऑफ कम्युनिकेशन यू चेंज हो जाता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के अंदर तो अब ये जो टारगेट आ गया कोई भी नंबर आ गया अब अगला सवाल ये होता है ये टारगेट अचीव कैसे होगा जब हमारी जो भी गिवन सिचुएशन है इकोनॉमिक उन हालात में रहते हुए कैसे ये नंबर अचीव होगा इसके बारे में भी कम्युनिकेशन होती है ठीक है और अगर सेंट्रल बैंक वो टारगेट नहीं अचीव कर पाता टारगेट मिस हो जाता है किसी महीने में किसी क्वार्टर में किसी साल में तो सेंट्रल बैंक उसको भी एक्सप्लेन करेगा कि हमसे ये टारगेट क्यों मिस हुआ तो ये फोकस ऑफ कम्युनिकेशन आप खुद सोचें इसके तो कितने बेनिफिट्स हैं अब ये बेनिफिट्स इस स्लाइड में आ गए हैं कि इससे क्या फायदा हो जाएगा फायदा ये हो जाएगा कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो बिजनेसेस की जो कंज्यूमर्स की अपनी बिजनेस प्लान या अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग प्लान वो इंप्रूव हो जाएंगे क्योंकि लोग अवेयर होंगे कि सेंट्रल बैंक क्या करने जा रहा है इन्फ्लेशन कहां पे होगा फ्यूचर में सेंट्रल बैंक कितना सीरियस है उस टारगेट को अचीव करने में तो आपकी प्लानिंग इस डिस्कशन से इंप्रूव हो जाएगी इसी तरीके से पब्लिक डिबेट प्रोमोट होती है इससे जब आप लोगों को एजुकेट करेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते तो एक पब्लिक डिबेट क्रिएट होगी यानी कि जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं सेंट्रल बैंक से वो लोग डिबेट के जरिए क्लियर करेंगे कि भाई ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है सेंट्रल बैंक ये ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर सकता ठीक है इसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं सेंट्रल बैंक की वो जब क्लैरिफाई हो जाती हैं इस इफेक्टिव कम्युनिकेशन और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू तो उसका फायदा यह हो सकता है कि लोग इजीली समझ जाते हैं कि पॉलिटिशियन का क्या काम है सेंट्रल बैंक का काम क्या है उन्होंने कैसे क्या काम करना है पॉलिटिशियंस ने या गवर्नमेंट ने क्या काम करना है और सेंट्रल बैंक ने क्या काम करना है जब यह क्लैरिटी लोगों में आ जाए तो सेंट्रल बैंक के साथ जब डिसीजन लेने में बहुत आसानी होती है क्योंकि उसके साथ पब्लिक सपोर्ट एड हो जाती है तो यह बेनिफिट हैं इसके थैंक यू